मधील पाण्याचा अनेक वर्षाचा इश्यू होता. आपण एक 3-1 वर्षापूर्वी साधारण 1 MLD पाणी द्यायला सुरुवात केली आमदारांच्या सूचनेप्रमाणे आणि त्याच्यामधल्या टेक्निकल अटी दूर झाल्यानंतर. त्यानंतर मला वाटते 4 फेब्रुवारीला काहीतरी आपण पहिल्यांदा इथे पाणी ग्लोबल सिटीच्या टाकीखाली आणलं, थोडंसं पाणी वाढलं आणि आपल्याला पाणी सप्लाय होत होते. त्यानंतर सतत त्याच्यामध्ये होणारे बदल आणि टाकी आणि येणारं पाणी ह्याचं गणित काही जुळत नव्हतं. पण ही टाकी पूर्ण झाली, त्याच्यानंतर त्याच्या खाली टाकीत चढणारा वॉल, टाकीत ना उतरणारा पाणी आणि डिस्ट्रीब्युशनसाठी असणारे वॉल, असे तीन मोठं काम तिकडे होतं. ते साधारण आपल्याच बिल्डरला सांगून त्यांच्याकडनं करून घेतलं आणि ते झाल्यानंतर ईस्ट टू वेस्टला येणारी लाईन झाली तेवढ्या पिरियडमध्ये. आणि आपल्याकडे खऱ्या अर्थाने पाणी वाढलं. सततच्या वॉटर कमिटीचा पाठपुरावा, लोकनेत्यांचा नेहमी पाणी कसं देता येईल त्या दृष्टिकोनातनं असलेलं सततचा फॉलोअप आणि पाणी वरून पाणी म्हणजे MMRDAचं पाणी आणण्यासाठी खास करून घेतलेली मेहनत, त्यातनं खऱ्या अर्थाने पाणी उपलब्ध झालं आणि आपण आज दसऱ्याच्या या शुभ मुहूर्तावर जुळून म्हणजे 3.5 मुहूर्तात मुहूर्त जुळून आला आणि आपले इकडचे प्रशांत भाऊ आणि किरण आणि रंजन खास करून याचा सतत पाठपुरावा करत होते आणि तुमची वॉटर कमिटी आजपासून आपल्याला वरच्या टाकीतून पाणी उपलब्ध होते आहे, याच्या पुढचा सगळा रोल तुमचा आहे आणि आता तो तुम्हीच सांगावा. धन्यवाद. सभी मान्यवर सबको दसरे के बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप भी सब बिजी रहेंगे दसरा, अलग अलग हमको भी प्रोग्राम है इसलिए आज लेट आया. मुझे लगता है पानी के बारे में प्रफुल्ल काका, किरण काका सबने बताया रहेगा. अड़चन जो लोग आए थे लास्ट मीटिंग महापालिका में हुई, तब कुछ अलग अलग आपके सोसाइटी या आर्मी जैसे प्लस वाटर कमेटी के लोग महापालिका में गए थे. एक्चुअल अड़चन वो लोग ने समझ के लिए उनको विनती की थी. वो महापालिका का मीटिंग खत्म करके हमारे ऑफिस पे आए थे, तब एक्चुअल प्रॉब्लम वो लोग ने समझ के लिया था. उनको बताया था कि आपके सोसाइटी आर्मी उसमें जितने भी मेंबर्स रहते हैं उधर तक ये एक्चुअल इशू क्या है वो पहुँचाते हैं. हमारे ऑफिस में भी आए थे तो ब्लेम गेम चालू था कि महापालिका का गलती है कि वाटर कमेटी का गलती है कि क्यों नहीं मिल रहा है. अलग अलग सर्वे के तब उसमें ध्यान में आया कि कुछ सोसाइटी के लोगों ने 5 पंप लगाए थे जिसकी वजह से आगे की सोसाइटी को पानी चाहिए नहीं रहा. अभी इसमें जवाबदार वाटर कमेटी है कि महापालिका है कि वो लोग हैं जिन्होंने चोरी के पंप लगाए थे. ब्लेम गेम किसी को करने के लिए हम यहाँ पे आज जमा नहीं आए. 10 लाख लीटर का आपका पुराना टाके का कैपेसिटी था, 10 लाख लीटर आपको मिलता था. कंजम्पशन आपका पानी का ज्यादा था, देने की भी इच्छा थी. अपना जो सूर्या का Phase 2 कंप्लीट हुआ तो कैपेसिटी भी थी, लेकिन आपके पानी का टाकी का ही कैपेसिटी 10 लाख है तो उससे ज्यादा अगर देना भी रहेगा तो भी कैसे दे. तब 2 साल पहले डिसाइड किया कि ये बाजू का जो टाकी आप देखते हैं आज, तो वो खर्चा पूरा आता था आपके सोसाइटी, आपके आदमी और आपके मेंबर्स पे. तो वो निकल के बिल्डर को बोला कि तुमको FSI TDR जो भी मतलब लगेगा वो करते, लेकिन ये लोगों पे वो खर्चा ना डालते हुए तुम पहले करो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो FSI से लेके वो कॉम्पनसेशन आपको करवा के दे दे. तो वो टाकी का खर्चा पूरा बिल्डर के ऊपर डाला, लेआउट का आपका जो बिल्डर है. टाकी हो गया, लोग सूर्य पिक्चर जैसा चढ़ गए ऊपर. आप सबको मालूम है ओपनिंग करके तो कहीं जमा हुआ पैसा निकलते फिर आपको मिल गया पानी. 70 लाख का वॉल्व का खर्चा जो वाटर कमेटी के मेंबर थे उनको मालूम है, कुछ लोग जो उस मीटिंग में आए थे उनको मालूम है, वो 70 लाख आपके ऊपर आ रहा था.
दादागिरी अच्छी है पूरी मुझे पता नहीं, लेकिन वो 70 लाख बिल्डर को बोला तुम्हारे घर से भी करके दो, नहीं तो वो आप सब पे आ जाता। रिजल्ट करो कि हर जगह पे पानी का टाकी का खर्चा आप पे आ जाता, वो 70 लाख का वॉन जो खराब हुआ था ये तो बहुत लोगों को मालूम है, वो खर्चा आप पे आता था। हर स्टेप पे ये सब यहाँ पे बैठे हुए, खास करके किरण काका, भाऊ गाड़ी साहब, कुछ लोग यहाँ पे एक्टिव अपने यंगस्टर्स है, हर जगह पे फॉलो करके एवरी सिंगल जगह पे आपके सर पे वो खर्चा कैसे ना है उसके लिए हमने सबने मेहनत की। ग्राउंड लेवल पे काम कौन करता है ये आप सबको मालूम है, तो टाकी पे चढ़ने के लिए टाकी तो मांगता है ना, एक फोन, एक फॉलो अप, एक मीटिंग किसने किया? वो 70 लाख का वॉल्व किधर है ना, उन्होंने दिखा लेगा कि ये वॉल्व बदल के दिया है तो भी मैं मान जाऊ कि अमुक अमुक लोकेशन पे ये वॉल्व है, इसका 70 लाख हमने करके दिया, लोकेशन तो बताएंगे वो 70 लाख का वॉल्व किधर है वो भी दिखा नहीं सकते। वो रास्ते पे खड़ा होना, चिल्लम चाली करना बहुत आसान है, अभी अपन जाके खड़े रह के चिल्लम चाली करते, उससे काम होते नहीं है। अपना नया नया शादी होता है, माता पिता को चाहिए कि पोता जल्दी मिले, लगता है ना टाइम लगता है कि नहीं टाइम, जिस चीज को जो टाइम लगने वाला है वो टाइम लगने ही वाला है। पानी देने का काम अपने धर्म में पुण्य का काम रहता है, उसमें सबको बुलावा पूरे पानी का दिया, एक पैसा पानी के काम में किसने खाने का नहीं, उसमें अड़ी अड़चड़ी लाने का नहीं, इस भावना से अपना ये सब टीम काम करता है। जिधर जिधर आपका पैसा बचाने का, ये तो भरो वो टाकी का कितना कीमत है आप निकालो आपके हिसाब से, वो वॉल्व का कितना कीमत है वो निकालो आपके हिसाब से, वो पूरा बर्डन अपने लोगों पे आता था। और खास करके आज जिस हिसाब से बेरोजगारी, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, उसके हिसाब में वो पानी का टाकी का खर्चा और वॉल्व का खर्चा आप पे डालने मांगता था क्या? हमारा गलती किधर होता है, ढोल ताशे पीटते नहीं हम कि हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, हमारी टीम को काम करने को अच्छा लगता है, रिजल्ट बेस हम लोग काम करते हैं वो हिसाब से। और बोला वैसे जिस चीज को जो टाइम लगने वाला है वो टाइम लगने वाला है। आपका लेआउट का पानी का टाकी 10 लाख का था तो उससे ज्यादा पानी देख किधर से, आप स्टोर किधर कर रहे? भगवान की कृपा से आज दसरा अच्छा दिन है, वो भी विषय खत्म हो गया। कभी पसंद लगा आज पसंद ना मी ना है, आपले इतने जे सीनियर असते त्यांच्या हस्ते आज चांगला दिवस है, जो अपने यहाँ पे सबसे सीनियर रहेंगे उनके हाथ से, और प्रिफर्ड जो सीनियर महिला रहेंगे क्योंकि ये तकलीफ पुरुषों को नहीं है, ये पुरुषों का तकलीफ नहीं है, ये महिलाओं का तकलीफ है। जो भी सीनियर महिला रहेंगे यहाँ पे उनके हाथ से हम आज शुरुआत करते हैं। आप सबको फिर से एक बार वैसे देखिए शुभकामनाएं। Thank you.